पाकिस्तान का साथ देकर भारत के खिलाफ यूएनएससी में मुंह खोलने वाले ड्रैगन पर भारत आग बबूला है। चीन की नापाक हरकतों से परेशान भारत ने अब चीन को जमकर खरी खोटी सुनाई है। कश्मीर जैसा आंतरिक मुद्दा जिससे चीन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मुद्दे पर अपनी टांग अड़ा रहा है। कोशिश तो दोनों पड़ोसी दुश्मनों ने खूब की, लेकिन भारत का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके, क्योंकि यूएनएससी के ज्यादातर सदस्य इसे भारत का आंतरिक मामला बताते हैं। लेकिन फिर जब एक बार फिर चीन ने कश्मीर पर अपने नापाक प्रयासों को अंजाम देने की कोशिश की, तो भारत ने अपने आंतरिक मामले में ड्रैगन के हस्तक्षेप का विरोध किया है। कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसे मुद्दे को उठाया है जो भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय ने ड्रैगन के खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा कि हमने इस बात को नोट किया है कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों को लेकर एक चर्चा की शुरुआत की। पहले की तरह इस बार भी चीन के इस प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बहुत कम समर्थन मिला। विदेश मंत्रालय ने अपील की है कि इस तरह के निष्फल प्रयासों के बाद समुचित निष्कर्ष निकाला जाए। आपको बता दें, बुधवार को यूएनएससी में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अनौपचारिक सत्र बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक से चीन और पाकिस्तान को झटका तब लगा जब ये मीटिंग एक बंद कमरे में हुई और इस बैठक का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया और न ही कोई बयान जारी किया गया, जिससे चीन और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जोरदार झटका लगा है और फिर भारत ने भी चीन को जमकर खरी खोटी सुना दी है।